सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उस पल के बारे में जब हम इस जीवन की जो सांसें रहती हैं, जब हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव रहता है तो हम उस समय में क्या सोचते हैं और कौन कौन सी और किस तरह की बातें हमारे दिमाग और दिलों में चलती हैं, इसी बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं हूं आपका दोस्त सुभाष। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम अपने प्राणों को त्यागने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमें याद आते हैं अपने माता पिता। मतलब जब हमने जन्म लिया था इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, हमने उनकी गोद में रह के कैसे खेले थे, हमारा बचपन उनके साथ में कैसे बीता था। क्योंकि इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा किसी से अटैचमेंट होता है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलता जब तक हमारा जीवन रहता है तो वह हैं हमारे माता पिता। और दोस्तों, उनके साथ में हमारा बचपन कैसे बीता, बचपन के साथ साथ में उन्होंने हमारी जवानी में हमारी शादी कराई, इस तरह के जो भी सारे एक अटैचमेंट थे वो एक तरह से स्मृतियाँ बन के हमारे सामने आने लगते हैं और हम बस ये सोचते हैं कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। और इसके साथ साथ में इसके बाद में हम अपने जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो हमारे बहुत करीब रहते हैं, उन लोगों को ना देख पाने का गम हमारे पास में बहुत रहता है। क्योंकि जब हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं, जब हम अपनी सांसों को त्यागने वाले होते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में ये बहुत अच्छे से आ जाता है कि जिनको हम बहुत प्यार करते थे, जिनके साथ में हमारी मोह था या अटैचमेंट था, अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ साथ में हमारे साथ में जो लोग हमसे ज्वाइंट थे, हमसे कनेक्ट थे, लेकिन उनसे हमारे बरसों हो गए बात कर हुए, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं कर पाए, तो ऐसे लोग भी हमें बहुत बहुत याद आते हैं। इसके बाद में हमें अपनी याद आती है जन्मभूमि। मतलब हमने कहाँ जन्म लिया, इस जन्मभूमि में हमने क्या क्या कमाया, यहाँ पर क्या क्या बनाया। जैसे कि सब लोगों का एक ख्वाब होता है कि हम अपना घर बनाएंगे, हम अपनी शादियाँ करेंगे, हमारे बच्चा पैदे होंगे, यानी कि अटैचमेंट वाली जो सारी चीज़ें रहती हैं हम उसको सोच सोच कर बहुत परेशान होते हैं और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। क्योंकि एक क्षण हम वो सब कुछ याद कर रहे हैं और दूसरे क्षण हमारा दिल ये भी बोल रहा है कि हम अब इस जन्म में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम बहुत जल्दी ही इस जन्म में यहाँ से जाने वाले हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बस हम यही सोच के अपने दिल और आंखों को नम करके बैठते हैं कि अब जो था ठीक है। जिन लोगों के साथ में भी हमने कभी हमसे भूलबस में या जानबूझकर भी बुरा करा है उनसे माफ़ी मांग लेते, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ऐसी सिचुएशन पर वो टाइम नहीं मिलता कि हम जा करके उनसे माफ़ी मांग लें। सो दोस्तों, यही कुछ ऐसी बातें थीं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि जब भी किसी लोगों का प्राण निकलता है, उनकी सांसें निकलती हैं, तो उनके साथ में कुछ इस तरह के अनुभव व्यतीत होते हैं। और ये मैं कोई अपनी बनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, आप किसी से भी ये पूछोगे, इवन जो लोग बीमार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारे बचने की उम्मीद नहीं है, तो उनके भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह से रहते हैं। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।
सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कान्हा चैनल को, और जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन का आंसर और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। यह क्वेश्चन भी एक व्यूअर्स के माध्यम से आया है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। सो आई थॉट कि क्यों ना इस क्वेश्चन का भी आंसर एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए, ताकि बहुत जो एक ब्रॉड ऑडियंस रहती है सभी के पास में पहुंच सके। आपके भी इसमें एक जिम्मेदारी रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग इस तरह जैसे क्वेश्चन है उससे सफ़र कर रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आता हूँ अपने इस क्वेश्चन की तरफ। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि हम जिसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छी पूजा, पुजारी टेंपल में जाना, यानी कि जो भी एक व्यक्ति के लिए कर सकता है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन सडन से उसकी डेथ हो जाती है और जो हमारे लिए असहनीय रहता है। कुछ केसेस में तो वो व्यक्ति इस तरह के रहते हैं कि अभी अभी वो रिलेशनशिप में आए थे, या किसी के पेरेंट्स थे, या अभी उनका बच्चा हुआ था, या इसी तरह बहुत सारे संदर्भ रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे उनके साथ में ज़िंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, सडन से ऐसा कुछ होगा कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन बेसिकली वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या परमात्मा हमसे दुश्मनी निकालते हैं, या हमने कुछ ऐसा कर्म कर रखा है जिसकी सज़ा हमें मिलती है, तो ऐसा क्या है। तो आज मैं इसी बात पर बात करूँगा और आपके अंदर जो भी भ्रम बने हुए हैं सबको दूर करूँगा। तो दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए दो बातें निर्भर करती हैं। एक तो डेथ जो हम खुद से अपने शरीर को नष्ट करते हैं, या दूसरा पर्सन आके इंटेंसली हमारे शरीर को नष्ट कर जाता है। तो इसका जो पार्ट है ये बिल्कुल अभी हम साइड कर देंगे, इससे हमारे जो आज का क्वेश्चन है वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो नेचुरली डेथ होती है, यानी कि एक किसी बीमारी की वजह से, या सडन से घर पर बैठे हुए हैं या कुछ खा रहे हैं सडन से डेथ हो जाती है। और चाहे अगर मैं एज की बात करूँ तो उनकी एज भी कम रहती है, जो हमारी सोसाइटी है हम उसको पचा नहीं पाते हैं। तो उनके संदर्भ में ऐसा क्यों होता है कि सडन से डेथ हो जाती है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगेगा कि सडन से डेथ हो गई, कि अभी अभी तो बस एक दिन हुआ था बीमार हुए हुए, कल तो सब ठीक था, आज ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप बैकएंड में प्रोसेस को देखोगे, मैं आपसे जितने भी लोगों ने अपने ऐसे किसी परिजन को खोया है, तो प्लीज़ पिछले 30 डेज को देखिए, पहले 30 दिन के जो टाइम अंतराल था उसको एनालाइज करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि जैसा आप सोच रहे हो वो हकीकत नहीं है। वही व्यक्ति जो आपके आसपास नहीं रहा उसको गौर से सुनिए, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्री इंट्यूशंस देंगे, क्योंकि उनके आसपास जो आत्मा जुड़ी होती हैं, उनकी गुरु आत्मा है, उनके पूर्वज, या जो भी इस समय उनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्माएं हैं, जैसे कि उनकी दादी दादा या जो भी कोई हैं, उनकी लाइफ साइकिल ऐसी बनी हुई है कि स्टिल दे आर देयर, कि वहाँ पे अभी जो जन्म था उन्होंने पूर्ण किया, उससे उनकी मृत्यु हुई और अभी वो निवास कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनको आसपास रहना स्टार्ट कर देती होंगी। आपको ये जानकर के समझ में आ जाएगा कि जब भी ऐसा होने वाला होता है तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जिस शख्स की मृत्यु होने वाली होती है अनयूजुअली वो कुछ बातें स्टार्ट कर देंगे कि देखो कोई वहाँ पर खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास में खड़ा है, और ऐसा पहले 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ में आपके घर के आसपास कभी एक पक्षी भी नहीं बैठता होगा, ये पक्षी कुछ बैठते भी होंगे तो जैसे कौवा है ऐसे पक्षी आकर बैठना स्टार्ट कर देगा, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकन नहीं रहते हो, तो उस समय आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, तो आप इन सारी चीज़ों को जनरलाइज करके इग्नोर कर देते हो। लेकिन जैसे ही आपके साथ में घटनाएँ घटती है, या कोई शख्स जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसके साथ में बहुत अटैच रहते हो, वो आपको छोड़ के जाता है, तो उस समय यू विल रियलाइज कि अरे ऐसा क्यों हुआ, पहले तो पक्षी आता था, क्या वही एक साइन था। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगेगा कि सारी चीज़ें जो फ्रेमवर्क बना वो सडन से बना, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये पूरा फ्रेमवर्क धीरे 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 सिनेरियो में चलता रहता है और बहुत दिनों से चलता रहता है, लेकिन लास्ट के जो जब क्रूशल टाइम रहता है, लास्ट के 30 दिन, या कुछ लोग जो अवेकन नहीं होते उनके लिए 30 दिन से स्टार्ट होता है, जो स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं लाइक मी, और जैसे आप अवेकन हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके लिए 7 दिन से भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये सारे जो प्री इंट्यूशंस रहते हैं उनका मतलब रहता है कि गेट रेडी, कि अब आपका किसी का समय आ गया है और आपको उस पेन को या उस दर्द को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए जो लोग उनको लेने के लिए आते हैं वो भी जानते हैं कि आप उनसे कितना अटैच हो, तो आपको भी दुख होगा, और ये दुख ऐसा होगा जिसको असहनीय होगा, किसी के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि
हम समझाएंगे दूसरा समझेगा, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकता। हम क्या चाहते हैं कि जो शख्स हमारे बीच में से जाने वाला है वो शख्स फिर से आ जाए, लेकिन वो कैसे आ जाएगा, उसको हम डिमाइस करते हैं, उसको हम जला देते हैं, या अपने अपने धर्मों के हिसाब से उसके जो रिचुअल्स करते हैं वो कर देते हैं। लेकिन वही है कि हमारी साइकोलॉजी हमेशा तड़पती रहती है, हमेशा हमारे लिए ये सोच पाना ही मुश्किल रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, जिसको हम इतना प्यार करते थे वो इतनी उम्र में क्यों चला गया। शायद वही शख्स 70, 80, 90 की एज में जाएगा तो हम एक बार को सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, शायद उनकी एज हो गई होगी। लेकिन जो लोग 40 की, 45 की, 30 की, 25 की या 50 की एज में जाते हैं, सो दे विल फील लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी तो हमें और जीना चाहिए था, या अभी तो उनको और जीना चाहिए था। तो उस समय की जो हालत बनती है, स्पेशली एक वुमेन के कोई पार्टनर हैं तो उस वुमेन के लिए यहाँ पे जीना इस सोसाइटी में बहुत दूभर हो जाता है, जिसको हम वीडो के नाम से जानते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये नाम मेंशन कर रहा हूँ, बट हकीकत ऐसा नहीं है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप बस एक वीडो का टैग नहीं हो, आप वही एक स्ट्रांग लेडी हो जो पहले थे। लेकिन ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था उस व्यूवर्स का, तो मैं आंसर कर रहा था कि आप ऐसा मत सोचिए कि सडन से सारी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने संज्ञान में लाइएगा, अपने थॉट प्रोसेस में लाइएगा कि आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं। सो गेट रेडी, यू विल फेस सम ट्रबल, और आपको ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिलेंगी जो आप नहीं चाहते हो। देखिए, आई एम सॉरी टू से बट इट्स फैक्ट, ये ट्रू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप हो सकता है मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन जो सच्चाई है, जितने मेरी नॉलेज है, जितना मैंने रिसर्च किया है इन सारी चीज़ों में पिछले 8 सालों में, उसी चीज़ को मैं आपके साथ में कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर देखा जाए तो नेचुरल है, हम सबको जाना ही जाना है। अगर हम जाने से पहले अगर थोड़े से साइन को डिकोड कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, बट दूसरों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो का सार, कि जैसा आप सोच रहे थे कि सडन सा होता है, तो सडन सा ऐसा कुछ नहीं होता, इस चीज़ को आप सोच के चलिएगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और एक और अनाउंस मैं करने वाला हूँ। देखिए, अभी अपने चैनल की www.prachinkahaniya.com एक वेबसाइट आने वाली है। उस वेबसाइट में क्या करेंगे, हम सारे स्पिरिचुअल इसी तरह का आर्टिकल डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, उसको लिख के बता सकते हैं। तो उस पर मैं आर्टिकल्स ऐसे डालता रहूँगा धीरे धीरे, मैं अपनी टीम के साथ में मिलकर। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप वीडियो देखने का मन ना हो तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, आर्टिकल से बोर हो गए तो वीडियो देख सकते हो। हर जगह हम स्पिरिचुअलिटी को अवेलेबल करा देंगे और आपकी सेवा में जुड़े रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की इस वीडियो में आपको ये बताते हुए कि मैंने आपसे बहुत पहले एक प्रॉमिस किया था कि हमारी बहुत जल्द अमेजन किंडल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी जो एक स्पिरिचुअल बुक है जिसका नाम प्योर स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और वो लॉन्च हो चुकी है, कुछ लोगों ने उसको ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यानी कि जो रिव्यू रहते हैं उनको भी शेयर किया है। तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुँचा सकती है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, तो आपके पास में भी वो चांस है कि जाओ उस बुक को पढ़ो और अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर करो। क्योंकि मैंने अक्सर क्या देखा है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, हम 2-3 बुक कहीं ना इधर से पढ़ लेते हैं या 4 वीडियो उस चैनल की देख लें, 4 वीडियो उस चैनल की देख लें, लेकिन जो एक रूट केस होता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊँ, देखिए हमने ये तो देख लिया कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं कभी देखा होगा या ये कभी नहीं पढ़ा होगा या ये कभी नहीं सुना होगा कि चलो मृत्यु होगी, सोल चलेगी, सोल जाने के बाद में एक गर्भ में कैसे आती है, कितने टाइम बाद आती है, और एक गर्भ में आने का प्रोसेस क्या रहता है, गर्भ में आने के बाद में बच्चा 2 साल तक क्या क्या सोचता है, जब तक बच्चा बोल नहीं पाता तब तक क्या सोचता है, बच्चा सडन से क्यों रोता है, सडन से क्यों हंसता है, उसके बाद में बड़ा होता है तो उसके हम अंदर कितना घोल मिलाप करते हैं, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको हम कैसे तहस-नहस करते हैं। मैंने इसी तरह के हजारों चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, 120 पेज की बुक है, बहुत अच्छे अच्छे लेख भी उसमें नीचे दिए हुए हैं। अगर आपने बुक पढ़ ली तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर कर सकता हूँ कि आपकी एक सिंगल पेनी भी वेस्ट नहीं होगी
और आपको उतना सब कुछ मिल जाएगा जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका मरने का जीने का ये सारा जो भय है वो खत्म हो जाएगा, आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिस पर आप चलना चाहते हो, जो एक सच्चा रास्ता है जिसमें किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होगा बल्कि आपके लिए अच्छाई का रास्ता बनेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। और सबसे जो अलग करती है उस बुक को वो ये है कि मैंने जिस भाषा का उसमें यूज़ किया है, बेसिक हिंदी मतलब हम व्हाट्सएप पे जब चैट करते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से उसमें हम कैसे करते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखेंगे और इस तरह से, लेकिन उसमें मैंने क्या करा है, सेम वही लैंग्वेज उसको हिंदी में करके लिखा है, जो आपको कोई भी जैसे होता है ना कि हमारे ग्रंथों में एक हार्ड डिफिकल्ट हिंदी होती है, कई बार तो मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता होता, तो हम जिस जनरेशन के व्यक्ति हैं उस जनरेशन के हिसाब से मैंने उसको टाइप किया है। और उसमें क्या है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको एक्साइटेड करेगी, आपको रोमांचक के उस दौर में लेके जाएगी जहां आप उस बुक को पढ़ना चाहोगे और इसके साथ साथ में इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये बुक आपको निराश नहीं करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।